नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन की यह कविता केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं पर सटीक बैठती है। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां युवा ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, कई जगह आगजनी की खबरें भी आ रही हैं। अग्निपथ की यह आग देश के 11 राज्यों में और यूपी के 14 जिलों में फैल गई है। अग्निपथ को लेकर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष भी इस मामले को खूब तूल दे रहा है। बवाल बढ़ता देख सरकार ने उम्र में बदलाव कर 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, बलिया, वाराणसी, रायबरेली, इंदौर, बिहार और राजस्थान, 11 राज्यों में प्रदर्शन जारी है। छात्र, जो युवा छात्र हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अग्निपथ का, अग्निपथ योजना का, अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया योजना का। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब प्रदर्शन हिंसक हो जाता है, उग्र हो जाता है, आगजनी देखिए बिहार में किस तरीके से ट्रेन की बोगी में आग लगी हुई है, ट्रेन धू धू कर जल रही है, राजस्थान में नारेबाजी हो रही है, बैनर पोस्टर डंडे हाथों में लेकर के छात्र घूम रहे हैं। ये वही छात्र हैं जो नौकरी की तलाश में हैं। रायबरेली का जिक्र कर लीजिए, देखिए पुलिस खड़ी है सामने, तिरंगा झंडा लिए हैं, साथ ही साथ बैनर पोस्टर लिए हैं, तख्तियां लिए हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अग्निपथ की घोषणा के बाद मचे बवाल के बाद इसे संभालने के लिए रक्षा मंत्री, वायुसेना चीफ के अलावा पूर्व सेना ने बयान जारी किए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है इन लोगों ने। 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। चीजें साथ साथ चलती हैं। सरकार ने सर यही स्कीम निकाली है ना, और चीजें बताई नहीं सरकार ने अभी कुछ, तो उससे पहले ही हम सोचने लगे है तौबा करने लगे, तो गलत है। और दूसरी चीज, सरकार के पास एक मुद्दा गया था कि कुछ बच्चों ने 2 साल पहले भर्ती के लिए ट्राई किया था, वो भर्तियां नहीं हुई, तो सरकार ने एज बढ़ा दी। तो कोई विवाद तो कुछ नहीं है, लेकिन विवाद उन लोगों के दिमाग में है जो इसको राजनीतिक रूप से। सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरम्भ होगी। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवा रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदर्शनकारियों से रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। क्या कुछ कहा है सुनिए। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। आपकी बात सरकार संवेदनशीलता के साथ सुन रही है और किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन करना उचित रहता है। इस तरह से रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे। और इसी मामले पर वरुण गांधी ने छात्रों और युवाओं से क्या कुछ कहा है वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। सुना दीजिएगा।
अग्निपथ योजना की घोषणा होने के साथ ही मैंने आप सभी से संवाद कर आपकी समस्याओं और चिंता को समझने का प्रयास किया। देश भर से हजारों अभ्यर्थियों ने लिखित, मौखिक एवं वीडियो के माध्यम से मुझ तक अपने विचार पहुंचाए। आप सभी से राय शुमारी कर मैंने कल ही रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी तक आप सभी की पीड़ा पत्र के माध्यम से पहुंचाने का काम किया और मुझे उम्मीद है कि उसके परिणाम सार्थक होंगे। भाइयों, मैं मानता हूं कि आप सभी के लिए यह असमंजस की स्थिति है, पर आज मैं एक बड़े भाई के तौर पे आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन करने आया हूं। साथियों, जटिल से जटिल समस्याओं का हल भी परस्पर संवाद से किया जा सकता है। आप जैसे राष्ट्रभक्त और आदर्शवादी युवा देश का भविष्य हैं, इसलिए आपसे उम्मीदें भी अधिक होती हैं। आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। हम सब साथ साथ चलेंगे, पर अहिंसा की राह पर। एक सैनिक के जीवन का प्रथम उद्देश्य ही राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना है। ऐसे में राष्ट्र की संपत्ति को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाकर हम अपनी मांग रखें, यह नैतिक रूप से गलत होगा। अग्निपथ योजना और उससे संबंधित आपकी चिंताएं वाजिब हैं, पर हमें लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना है। ज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, शांतिप्रिय मार्च के माध्यम से हम अपनी बात प्रमुखता से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। योजना लाने के 24 ही घंटे के भीतर सरकार ने इसमें उम्र सीमा को लेकर संशोधन किया है। इससे पूरी उम्मीद है कि आगे भी सरकार उचित सुझावों को इसमें सम्मिलित करेगी। आप सभी युवाओं की कर्मठता, मेहनत और जज्बे को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी से एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ें, पर शांति और सद्भाव के साथ। मैं वरुण गांधी और इस देश के करोड़ों लोग इस संघर्ष में हर कदम, हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। और सीधा सवाल में इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अग्निपथ पर बात करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ दिनेश शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ पूर्व वायुसेना अधिकारी जुड़ रहे हैं, राजेश सिंह, आपका भी स्वागत है। सपा नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक पांडे जी, आपका भी स्वागत है। विवेक पांडे, सबसे पहले रुक करूंगा दिनेश शुक्ला जी आपका। सर, आखिरकार सरकार इन युवाओं को, छात्रों को समझाने में नाकाम क्यों साबित हो रही है? ये लगातार जो प्रदर्शन है वो हिंसक हो रहा है, उग्र हो रहा है, आगजनी हो रही है, जगह 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 बसें तोड़ी जा रही हैं, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। दिनेश शुक्ला जी, देखिए आदित्य जी, जी जो ये एक मॉब निकला हुआ है, जो तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट, दंगा बवाल, ट्रेन रोकना, सड़क जाम करना कर रहा है, अगर इसका प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होगा तो अभी दो चार दिन पहले या एक हफ्ते पहले जिन लोगों की घटनाएं थी उसमें बहुत बड़ा तबका वो भी पाया जाएगा। ये राष्ट्र विरोधी तबका है, ये युवा हो सकता है उसमें शामिल हो, युवा जी, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं जी, और समझने में विलंब भी होता है, इस वजह से हो सकता है कि युवा भी हो, लेकिन निश्चित इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल है जो इस देश को अब और आगे बढ़ने नहीं देखना चाहता। दूसरी बात, सरकार को
देखिए 3 साल से ऐसी परिस्थितियां हैं कोविड की वजह से, और पूरा देश मांग रहा है कि रोजगार होना चाहिए। सरकार ने एक नई स्कीम बना करके निकाल करके और ये प्रयत्न किया है। वैसे भी किसी भी व्यक्ति को कहीं आगे पहुंचने के लिए 4 साल का एक पीरियड चाहिए ही चाहिए होता है जी। आईएएस बनना है, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, 3-4 साल लग ही जाते हैं जब अथक प्रयास किया जाता है। ऐसे ही आपको गवर्नमेंट स्वयं एक अवसर दे रही है कि 4 वर्ष हम आपको तनख्वाह दे करके और इस लायक बनाएंगे कि आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू नहीं करते इन केस तो भी आपको एक हैंडसम अमाउंट पैसे का वो दे करके ही विदा करेगी। ऐसा नहीं है कि आप 4 साल के बाद में बेरोजगार हो जाएं। आपको 11,71,000 रुपए जी जी। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, कुछ प्रारंभ किया है। तो अगर विरोध भी करना है तो विरोध का तरीका होता है, अभी वरुण गांधी जी को हम लोग सुन रहे थे, तो तरीका वही अपनाना चाहिए जो लोकतांत्रिक तरीका है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन कहीं पे भी आग लगाने का फ्रीडम किसी को नहीं है। ठीक है, विवेक पांडे सभा से हमारे साथ उनका रुख कर लेते हैं। विवेक जी, सियासत शुरू हो गई सर इस पे, सब एक साथ टूट पड़े सरकार पर, कह रहे हैं योजना ही गलत है सर। पहले तो मंच को सर का धन्यवाद देते हुए मैं विशेष प्रणाम करता हूँ पूरे वायुसेना अधिकारी को, क्योंकि वो एक सम्मानित फोर्स से बिलोंग करते हैं और देश की सेवा कर चुके हैं, तो उनको मैं विशेष सैल्यूट करता हूँ। और अपने भाजपा प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था, देखिए बात वही आ जाती है, घूम फिर करके हवन हो रहा था, थोड़ा से घी और डाल दी, मॉब और राष्ट्रवादी राष्ट्र विरोधी बता दिया लास्ट में। अरे अगर राष्ट्र विरोधी है तो कर दीजिए बुलडोजर चलवाइए ना, आप क्यों नहीं बुलडोजर चल रहे हैं? कुछ दिन पहले तो बुलडोजर चल रहे थे, अब बुलडोजर नहीं चल रहे हैं। चलिए बहरहाल विषय पे आता हूँ मैं, क्योंकि ये कोई तर्क नहीं है। 2022 में 80 करोड़ नौकरी रोजगार देने का संकल्प किया भाजपा ने, और अग्निपथ जैसी स्कीम ला करके संविदा समान नरेगा मनरेगा की एक स्कीम को लागू किया जाता है। इस साल इनका टारगेट है 46,000 सैनिकों की भर्ती। जब कोई घटना इस देश में घटती है राजनीतिक दलों के माध्यम से, ये ओम जी बहुत पुरानी परंपरा है कि एक दूसरी परिपाटी के माध्यम से उस घटना को ढकने का प्रयास किया जाता है। इस पूरे जो नया एक इनका जो एक परिपाटी जो लेके आए हैं ये अग्निपथ का, इसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था इनकी विफलता का सबसे प्रमुख कारण है। कैसे उस पर आ जाते हैं, जब भाजपा चुनाव लड़ रही थी वन रैंक वन पेंशन का राजनीतिकरण करके सत्ता में वापसी करने का पूरा प्रयास किया, छद्म प्रयास किया, सत्ता हासिल की। अब इन्होंने एक ऐसी स्कीम दी जिसमें नो रैंक नो पेंशन का प्रावधान है, तो सबसे पहली बात तो ये अपना आकलन स्थिति का स्वयं कर ले कि इनको सत्ता चलाने का कितना अनुभव है, अपनी नीतियों को किस तरीके से ये दबाने का और कुचलने का प्रयास करते हैं। पेंशन के मुद्दे का जो राजनीतिकरण भाजपा ने किया था, ये देश में सबसे बड़ा वित्तीय बोझ है, जिसके कारण सत्यता यह है आज देश आर्थिक विपत्ति से जूझ रहा है जिसमें ये पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। ये जो स्कीम आई है इसमें पेंशन शब्द कहीं नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी से सभी जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, ये जानते हैं। इसके साथ और एक जिम्मेदारी से बात बता दूं, वर्तमान में इस समय रशिया और यूक्रेन का वार ज्वलंत उदाहरण है जो स्कीम ये लाए हैं। रूस को देख करके सब कह रहे थे रूस तो बस यूक्रेन का सफाया कर देगा, हमारे आदरणीय बैठे हैं राजीव सिंह जी सर, वो भी बताएंगे, क्योंकि रशिया के बारे में बड़ी मानता है कि बहुत सामरिक सेना है, हुआ क्या, आज भी रूस अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, बल्कि यूक्रेन को मुझे लगता है उतना प्रभाव नहीं पड़ा, यूक्रेन तो वैसे ही छोटा राष्ट्र था, लेकिन रूस के फेलियर का कारण सुन लीजिए। रूस की सेना में सबसे ज्यादा ऐसे सैनिक है जो अभी अभी पास आउट हुए, 25% मात्र रूस के सैनिकों में अनुभवी सैनिक थे जो कि उस पूरे युद्ध को लीड कर रहे हैं, और रूस के पास आउट सैनिकों को लगा कि वो एक युद्धाभास पे जा रहे हैं और उनका सामना हो गया एक भीषण युद्ध से, और जिसके लिए वो शारीरिक मानसिक रूप से अनुभव के हिसाब से परिपक्वता से तैयार नहीं थे। और यही कारण है संख्या बल में यूक्रेन कम होने के कारण, हथियारों की आवश्यकता कम होने के कारण, अग्निपथ योजना में सर खामी बता दीजिए सर, सर खामी बता दीजिए, मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ नहीं, आप 4 साल में आप जिस कंटेक्स्ट में बता रहे हैं रशिया यूक्रेन तक आप पहुंच गए सर, सुन लीजिए, अब सेना के कई क्रैश कोर्सेस जैसे ब्लैक कैट कमांडो से लेकर मरीन तक की ट्रेनिंग जो होती है उसके लिए एक समयाविधिक अनुभव जरूरी होता है, जो कि सेना की परिपाटी में लागू अभी हमारे वायुसेना अधिकारी उसको डाल देंगे। आप 4 साल में केवल और केवल जब तक सैन्य प्रशिक्षण पूरी करते हैं सैनिक, एक 10 सैनिक बनते हैं तब तक आप उनको रिटायर कर दे रहे हैं, और 4 साल के बाद सबसे बड़ी बात है देश की सीमाएं इस समय गंभीर नेतृत्व से ढूंढ रही है, गंभीर सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है उनको,
सर, सर 25% को तो निलंबित कर रहे हैं सर, किसी बात तक क्लियर नहीं कर पाए। आज कभी कभी आता है कि गांव बस गया, सैटेलाइट की तस्वीर आते हैं, कभी आप कहते हैं कि घुसपैठ भी हो रही है। तो भारत की सीमाएं गंभीर और परिपक्व डिफेंस प्रणाली की उम्मीद करती है, न कि रिसर्च। वहां पे आप रिसर्च और अनुसंधान करने के लिए अब समय नहीं बचा हमारे पास। और सबसे बड़ी बात है हमारे न्यूक्लियर वेपन, हमारे कई पॉइंट ऐसे हैं, चार साल में अगर वो वहां पे सदस्य होते हैं, एक डेढ़ साल में, उसके बाद चार साल बाद रिटायर होते हैं, क्या आप उनकी विश्वसनीयता की गारंटी लेंगे? ठीक है, क्या रक्षा का पूरा दायित्व तो हमारी खुफिया तंत्रों पे नहीं गिरेगा? IB NIA इनके ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर कितना भार डाल देंगे भाई? ठीक है, चार साल में एक राजनीतिक दल का नेता अपनी विश्वसनीयता तो परिपक्वता से दिखा नहीं पाता। हम सेना और देश की रक्षा की बात कर रहे हैं और बता रहे 11 लाख रुपए सेना की सेवा, माफ कीजिएगा दिनेश जी, सेना की सेवा, सेवा में जब जाता है कोई सेना में, वो भारत के प्रति समर्पण लेकर के जाता है, ना कि आर्थिक उन्नति के लिए जाता है। इस देश का कोई सैनिक अगर आप देख लीजिए, इस देश का कोई सैनिक अगर इस देश की सेना में है तो वो सिर्फ और सिर्फ सरहद की रक्षा के लिए है। और माफ कीजिएगा, आपकी सरकार लाई है, आपकी सरकार तो कश्मीर के आतंकवादियों की पार्टी के साथ ही सरकार बनाती है, जिसके बाद की 73% आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी। इस पर जवाब दूंगा अभी दिनेश जी, ठीक है, ठीक है विवेक जी, जवाब लेता हूँ। राजीव सिंह हमारे साथ, पूर्व वायुसेना अधिकारी, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आपको ये कैसी योजना लग रही है राजीव सिंह जी, आपके हिसाब से इसमें क्या लूप होल्स हैं, क्या दिक्कतें हैं छात्रों को, युवाओं को, जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन उग्र हो रहा है, आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या इसमें दिक्कतें उनको लग रही हैं? और सरकार के अगर एंगल से देखें उन, तो ये योजना कितनी उनको ठीक लग रही है सरकार को, कि इससे वाकई में युवाओं को फायदा है, देश को फायदा है? JMD न्यूज को सबसे पहले जय हिंद, और सभी दर्शकों को और हमारे साथ जो पैनलिस्ट में आदरणीय विवेक पांडे जी और शुक्ला जी बैठे हैं, दोनों लोगों को मैं जय हिंद कहता हूं और दोनों व्यक्तियों को प्रणाम करते हुए आप, लेकिन आप दोनों की विचारधाराओं से अपने आप को मैं अलग करता हूं, क्योंकि बगल में बैठे जो शुक्ला साहब हैं, इनकी अपनी जिम्मेदारी है पार्टी के प्रति और आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं एक निष्पक्ष होकर के अपनी बात को कहने जा रहा हूं जी, तो मैं चाहूंगा आप दोनों लोग उसे थोड़ा सा ग्रहण करें और अपनी विचारधारा अपने पास रख करके देखिए, सरकार कोई भी हो, आज भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की होती, ये सब चीजें एक दो साल में नहीं आ जाती हैं कि उधर मोदी जी ने या राहुल जी ने कोई सीटी बजाई और तुरंत डॉक्यूमेंट तैयार हुआ और योजना इसे सबमिट कर दी। देखिए, हमें अपने जर्नल्स पे, हमें अपने ऑफिसर्स पे, अपने थिंक टैंक पे भरोसा रखना चाहिए, जो लाइफ दे चुके हैं और जो दे रहे थे उनके द्वारा पूरा खाका तैयार किया गया है और एक संपूर्ण योजना को, हो सकती है इसमें 1-2% की कोई खराबी हो या आने वाले समय में कोई दिक्कत हो जाए, लेकिन एट द फर्स्ट इंस्टेंस, पहले ही बात में आप तुरंत अपने लोगों पर अविश्वास करने लगे और तुरंत कहने लगे कि ये खराब है। रीजन उसका ये है कि आज सरकार में, आज जो केंद्र में है वो सरकार दूसरी है, कल दूसरी हो सकती है, लेकिन समस्या बस इसी बात का है कि हम लोग उसके अंदर की चीजों में ना जा करके पार्टी बेसिस पे उसमें कामियां निकालने लगते हैं। देखिए, गवर्नमेंट यहाँ एक, जैसे मैं एक 20 साल की सर्विस करके आया हूँ, मुझे पेंशन मिल रही है और उसके आने के बाद मुझे 3 से 4 नौकरियां मिली, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेलवे गार्ड एंड बैंक आल्सो, बट मैंने आई डिडंट ज्वाइन दैट, मैंने बिजनेस किया और बिजनेस करने में इस समय आई हैव ए गुड रियल एस्टेट डेवलपर्स एज ए कॉस्मो सर्विसेज, आई एम अ डायरेक्टर एंड रनिंग अ 2 इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम इन द वन कानपुर देहात एंड वन फजलगंज, नेम ब्रांड इज कोमाकी। कहने का मतलब है कि हमने जो सीखा एयरफोर्स से, जो फौज से सीखा, उसके दम पर मैं करीब 20 लोगों को रोजगार यहां दे चुका हूं। 4 साल की नौकरी में करने के बाद एक व्यक्ति, यहाँ सरकार में BJP की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो भी सरकार है वो एज ए गार्जियन के रूप में काम कर रही है कि एक बच्चे को 4 साल, आप हमारे पांडे जी बैठे हैं, शुक्ला जी बैठे हैं, अपने बच्चों को कहीं बोलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज डालो, इस जगह स्कूल में डाल दो, अच्छे यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज में डाल दो, ताकि वो 3-4 सालों में कुछ अच्छा सा आदमी बन जाए। तो इसमें तो कुछ अच्छे की उम्मीद ही की जा सकती, हो सकता है कोई खराब बन जाए, दैट इज डिफरेंट इशू। आप कानपुर के देहात के किसी में BA कराते हैं और दिल्ली के यूनिवर्सिटी में BA कराते हैं, दैट इज हैविंग द मोर वैल्यू देन कानपुर देहात। तो अगर डिफेंस में कोई जा रहा है, 4 साल की कोई चीजें सीखता है वहां के एनवायरमेंट से, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से, दिस वुड बी एंटायरली डिफरेंट और उसमें जरूर समाज में कंट्रीब्यूट करेगा और बेटर ही रहेगा।
और ताकि मुझे आज मेरी एज अभी 48 ईयर सोर्स है, लेकिन मैं गवर्नमेंट की जॉब में अभी अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे ऑफिशियल एज मेरी 28 ईयर ही है जबकि मैं 48 ईयर ओल्ड का हूँ। इसी तरह जो अग्निवीर होंगे उनको बहुत जगह छूट दी जाएगी, बहुत जगह उन्हें क्यों किया गया। अब सरकार की बात, जैसे सर आपने कहा कि दूसरा पॉइंट भी कह दें कि ये पत्थरबाजी क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली अनरेस्ट का एक माहौल है पूरे देश में, पक्ष और विपक्ष का माहौल है, इसमें तत्व की बात कहीं नहीं हो रही दोनों तरफ से, उस वो एक बहुत बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट से मैं एज ए फौजी थोड़ा सा, चूंकि किसी का मैं अंदर सपोर्टर नहीं अंदर अपोज भी नहीं, तो मुझे ये लगता है कि शायद चूंकि सेंसिटिव मैटर था, सेना से जुड़ा हुआ है, सेना से जुड़े में एक्स वाई छोटे से बड़े सभी शामिल हो जाते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट को शायद ऐसा कुछ पहले से कम्युनिकेट कर देना चाहिए था, तो शायद इतना अनरेस ना होता और इतनी ही जिम्मेदारी अपोजिशन की बनती है, लोगों की बनती है कि कोई परमानेंट चीज नहीं, अगर ऐसा कुछ खराबी गवर्नमेंट टेक द स्टेप बैक। हमारे यहाँ पहले 15 साल में रोज रिटायर होते थे, अब 20 साल में होते हैं। ठीक सर, ठीक बात, यानी कम्युनिकेशन गैप सर एक कहीं ना कहीं। आई फील लिटिल बेटर, ठीक योजना बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं मान। राजीव सिंह कह रहे हैं कि योजना तो बहुत अच्छी सर, लेकिन कम्युनिकेशन एक गैप रहा है जो कम्युनिकेट गवर्नमेंट नहीं कर पाई है इन युवाओं से, इन छात्रों से सर, जिसके चलते सब देखने को मिल रहा है। विवेक पांडे जी, अगर आप मुझे मौका दें मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता सकता हूं। हाँ सर, मैं आता हूं सर राजीव जी आपके पास। विवेक जी, विवेक जी आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज आई सर, म्यूट कर रखा था आपने सर। देखिए, बीएसएफ के रिटायर्ड एडिशनल डीजी आदरणीय संजीव कृष्ण जी ने इस पर एक टिप्पणी की है कि इस योजना के बारे में उनका जो कहना है कि इस पूरी योजना में जब तक वीरों को पूरी तरह से ट्रेन करके उनके सर्विस का टाइम आएगा उससे पहले उनका रिटायरमेंट टाइम आ जाएगा। और यहाँ पे बात कमी की नहीं हो रही है, बात है नेशनल सिक्योरिटी की। आपको सबसे बड़ी बात समझनी पड़ेगी कि 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग, जबकि रेगुलर ट्रूप जो होती है उनकी कई तरह के क्रैश कोर्सेज चलते हैं और जो एडवांस ट्रेनिंग सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बाद जिसमें उनको हायर किया जाता है या अडॉप्ट किया जाता है। और उससे बड़ी बात है कि 4 साल के अनुभव का मतलब ये होता है कि कमिटमेंट की कमी का होना। आपको पता है कि आपको 4 साल रिटायर हो जाना है। अभी वीआरएस की भी जो लिमिट है वो कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 साल से ऊपर की है। और टेक्नोलॉजी ब्रांच जो है आर्मी की, उसमें सबसे अधिक समय लगता है सीखने के मामले में। तो 4 साल में आप किन अग्निवीरों को किस तरीके से ट्रेन करेंगे, कहां ट्रेन करेंगे, सेना के किस पोस्ट पे या किस पॉइंट पे आप नियुक्त करेंगे, क्योंकि सेना एक ऐसा आदर्श खांचा है हमारा जिसके पास देश की सुरक्षा का दायित्व है। हमारे कई न्यूक्लियर वेपन पॉइंट ऐसे हैं, कई सेंसिटिव पॉइंट ऐसे हैं जहां पे अगर आप सतर्क करते हैं जब तक ये अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करेंगे तब तक आप इनको रिटायर करके बाहर कर देंगे। और कल को अगर भारत की सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया व्यवस्था से जुड़ी जो बातें बाहर लीक होती है, मैं कहता हूं 1% ही मान लेते हैं, 0.5% मान लेते हैं, लेकिन वो 0.5% भी भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप पूरी बालाकोट स्ट्राइक, पठानकोट बहुत कुछ झेल चुके हैं और भारतीय सेना पे अनुसंधान करने का समय मुझे नहीं लगता भी है। अगर आप इसको लाना भी चाहते हैं, सरकार गलत कर रही है सर। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी सर। मुझे लगता है अगर इस तरीके का अनुसंधानिक एक फॉर्मेट लाना था तो उसको निचले स्तर से स्टेट पुलिस से या उसके निचले रिंग से शुरू करते और उसको डेवलप करते करते धीरे धीरे ऊपर तक जाते हैं। आप कर क्या रहे हैं, आप ऊपर से नीचे की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने 3 साल से सेना की जो भर्ती नहीं की थी, आपने अभी आक्रोश की सजा इसको भी समय देते हैं, आपने सीधे ये स्कीम लाई और ठोकने का प्रयास कर दिया। आप जब 3 साल से बच्चों को भर्ती के लिए जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, आपको पहले कम से कम मुझे लगता है जहां वो तैयारियां करते हैं जो एक्स आर्मी रिजर्व ऑफिसर्स हैं, आप थोड़ा सा बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर के एक बाकायदा इसका सही तरीके से प्रारूप पेश करके आपने सीधे लाके ठोक दिया। ठीक है विवेक जी, ठीक जवाब देते हैं। और वो नेगेटिव मैसेज देखिए आज हमारे सामने एक गलत तरीके से सामने प्रस्तुत हो रही है पिक्चर सारी। ठीक सर, दिनेश जी साफ तौर पे विवेक पांडे कह रहे हैं कि सर जो 3 साल से भर्तियां नहीं होती उनको पहले फिल कर लेते सर, उसके बाद इस योजना को लॉन्च करते तो शायद विरोध नहीं होता सर। देखिए, जो कमीशन सर्विसेज हैं जी वो बंद नहीं हुई हैं, उनका अपना प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। अभी 2 महीने पहले मेरा भांजा गया नेवी में,
लेकिन मैं आ रहा हूँ सर राजीव जी, लेकिन ये नई योजना गवर्नमेंट ने निकाली है। राजीव जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि जैसे हम IIT कराते हैं, जैसे हम कोई कोर्स कराते हैं, जैसे हम LLB कराते हैं, उसी प्रकार से सेना का एक अपने प्रकार का कोर्स है जिसमें गवर्नमेंट वेतन भी देगी और वहां से यदि वहां से 4 वर्ष बाद उसकी उपयोगिता समझ में नहीं आती तो भी उसको पैसे दे करके ही विदा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका करियर खराब कर दिया जाएगा। और राजू जी ने अभी एक बात कही कि अभी मेरी उम्र 28 वर्ष ही मानी जाएगी अगर मैं कहीं अप्लाई करता हूँ टेक्निकली जी। यस, तो ऐसी योजना भी इसमें निश्चित रूप से है कि ये 4 साल को माइनस ईयर्स मान करके ही आगे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सेना के कुछ फॉर्मेट तो इसमें लागू ही होंगे। दूसरी बात, एक बड़ी बात कह रहे थे विवेक जी कि वो यूक्रेन का युद्ध हुआ, रशिया को ऐसा माना जाता था उनके अंडर 25 वाले सैनिक थे और वो युद्ध हो गया, उसमें ये हो गया युद्ध, ये कहा जाता था कि रशिया जो है बहुत शक्तिशाली है। देखिए, आप ये अप्रिहेंशन पे क्यों जी रहे हैं कि आपको युद्ध होने वाला है? ये अब वो भारत नहीं है जिसकी तरफ कोई भी आग उठा ले और कहीं पे चढ़ाई करके आ जाए। एक बार भी विश्व में कोई भी दूसरा देश चढ़ाई करने से पहले बार बार भारत पर चढ़ाई करने से पहले बार बार चिंतन करता है कि हमें युद्ध करना चाहिए, युद्ध जैसा माहौल बनाना चाहिए कि नहीं। तो अभी से ये सोचना, ये अंदेशा जताना कि शायद हमारे यहाँ युद्ध हो जाए तो ये अनट्रेंड लड़के क्या करेंगे, तो राष्ट्र के नाम पे भारतवर्ष के ऐसे संस्कार हैं, ऐसी संस्कृति है कि माताएं बहनें अपने जेवर लुटा देती हैं और हर घर से व्यक्ति सेना पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो इनको तो हम ट्रेंड करके आगे ले चल रहे हैं और ईश्वर न करे कभी किसी का बलिदान हो, कभी किसी का आवश्यकता हो, लेकिन भारत की ऐसी भूमि है कि अभी एक बलिदान हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले देख रहे थे तो उसकी पत्नी ने ताली बजा करके अपने पति को अंतिम विदाई प्रदान की। ये भारत है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट संरक्षक की तरह कार्य कर रही है। ये पीछे के 8 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने दिखाया भी है, कहीं पे भी फेल होने की स्थिति नहीं हुई। आज जब दूसरे देशों में आर्थिक संकट है, उन परिस्थितियों में भी देश बखूबी आप सबको जो आवश्यकता की चीजें उपलब्ध करा रही है। ठीक ठीक है दिनेश जी, यहाँ वक्त है ब्रेक का, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा। लगातार सीधा सवाल में चर्चा जारी है अग्निपथ पर अग्निवीरों को लेकर के, देखते रहिए सीधा सवाल क्योंकि हमारी ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं सीधा सवाल का। जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अग्निपथ पर आखिरकार अग्निवीर जो है जो भर्ती होना चाहते हैं उनको दिक्कत क्या है, छात्रों को, युवाओं को, आखिरकार क्यों वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? 11 राज्यों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है देश भर के, और ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, शीशे तोड़े जा रहे हैं, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, लूटपाट तक की गई है स्टेशन में, 3 लाख की लूटपाट तक हुई है, और ऐसे में वाकई में गंभीर समस्या है। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल है, सीधा रुक कर लेते हैं। हमारे साथ राजीव सिंह हैं, उनका रुक कर लेते हैं, पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं। राजीव सिंह जी, जो बात आप कहना चाह रहे थे पहले कि हाँ ये एक अच्छी योजना है लेकिन कम्युनिकेशन गैप हो गया, सर और क्या क्या इसके पॉइंट्स अच्छे हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं इस योजना की, जरा दर्शकों को बताएं जिससे उन छात्रों या उन युवाओं को मालूम चले कि वाकई में ये योजना अच्छी है लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप के चलते ये सब हो रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों ये सोच रहा है, एक सोच रहा है रोजगार नहीं दे रहे हैं, एक सोच रहा है रोजगार हम बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं। सेना का सोचना अपना दूसरी तरीके से, सेना जब टीम एज ए टीम लड़ने जा रही है उसको उसको फाइट करना है, ठीक है। जैसे शुक्ला जी ने कहा कि युद्ध नहीं हो सकता, युद्ध की चिंता ना करो, नो हम ऐसा नहीं सोचते, हम हमेशा तैयार रहते हैं कि युद्ध कल होने वाला है। उसी की तरह से हम वी ब्लड इन द पीस, हम शांति में भी इतनी मेहनत करते हैं ताकि हम फेस कर सके। समस्या सिर्फ यहाँ पर इस बात की है कि सेना का ये सोचना कि जितना इक्विप्ड हो पाएगी, जितना अपने आप को इक्विप्ड कर पाएगी तभी तो वो किसी से लड़ सकती है। हम कभी नहीं सोचते कि लड़ाई नहीं हमारी हो, हमारी लड़ाई होगी और हम तैयार रहते हैं। अब हमारा लगभग अभी पास डेटा पूरा नहीं, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, मुझे अचानक बुलाया गया यहाँ पैनल में, लगभग 4,71,000 करोड़ लगभग रक्षा बजट रहा, और हमारा पेंशन सैलरी और इचेज वगैरह और सब में खर्चा जो जाता है ऐसे वो लगभग 3,00,000 करोड़, मैं दोबारा फिगर बोल रहा हूँ, 3,00,000 करोड़ रुपए है। अब पैसे जो जितने बचते हैं
उतने में डिफेंस पूरी चल रही, मेंटेन हो रही है। आज को आज की डेट पे अगर हम इसराइल को कंपेयर करेंगे, अमेरिका से करेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके लेवल पे कहीं थोड़ा बहुत पहुंचेंगे तो हमें पैसों की जरूरत है। सेना उस पॉइंट पे काम कर रही है और उसका इक्विप्ड होना बहुत मतलब जायज है, वो तो चूंकि उसे ये चीज फेस करनी है। और जहां तक अग्निवीरों के रोजगार उनके इस विषय में बात है, ये एज ए गार्जियन तो क्या सर इस सरकार का पैसे बचाए जा सकते हैं सर, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ जा सकता है इस योजना के चलते? हाँ हाँ क्यों नहीं सर। जैसे सपोज मैं अपने पूरे गांव बता रहा हूँ, मैं एक एयरफोर्स का लड़का अपने गांव से हुआ और 25 साल या 22 23 साल बाद एक लड़का दूसरा हुआ अगर, और हम ही सर्विंग नाउ एंड आई एम डूइंग अ बिजनेस, इस समय करीब 20-22 लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह से इक्विप्ड हो करके 4 या 5 6 लोग आएंगे तो उस गांव की इकोनॉमिक बढ़ेगी, उस गांव की बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ लोग कार्य करेंगे और जब गांव बढ़ेगा तब भारत बढ़ेगा। ठीक बात, ये वाली बात। अब बात कम्युनिकेशन की आती, जो मुझे लगता है कि सेंसिटिव इशू था। सरकार को भी ऐसा चांस नहीं देना चाहिए कि जो कहते हैं कि लोग बाग इसमें इन्वॉल्व है तो वो तो रेडी रहते ही हैं, आपको चांस नहीं देना चाहिए था, कम्युनिकेशन कर देना चाहिए, कम्युनिकेट प्रॉपर कर देना कि ये कि 40,000 की केवल भर्तियां होंगी और उसमें सब निकाल नहीं दिए जाएंगे जो हल्ला मचा रही विपक्षी और जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें जो बेटर होंगे 11 लोगों के प्लेयर होते हैं अगर टीम में तो बेटर वाले ही रखे जाते हैं। सेना भी एक खिलाड़ी के रूप में, एक टीम के रूप में, उसमें भी अच्छे वाले लोग रखे जाएंगे जो परफॉर्म करते रहेंगे, टेस्ट क्लियर करते रहेंगे, वो बने रहेंगे एंड दे विल लीड द ऑपरेशन, ना कि वो 4 साल वाले लोग जाकर के मेन मेन काम करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। I have served the Indian Air Force, so I know कितने कितनी knowledge के बाद, कितने years देने के बाद, कहाँ कहाँ deployment होता है, कहाँ कहाँ आपको जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, ठीक है। विवेक पांडे जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं सर आप। साफ तौर पर उन्होंने बता दिया सर, इससे इकोनॉमिकली जो है हम ज्यादा अच्छे से वेल इक्विप्ड हो पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो पाएगा, नई नई तकनीकी को ला पाएंगे, पैसे बचा सकते हैं इससे हम इस योजना के अंतर्गत। और ऐसा नहीं कि सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जो टेस्ट पास करेगा 25% को तो नियमित करना ही है ना सर। सर हमेशा सब लोग बोलते थे लाइक इसराइल, लाइक अदर कंट्रीज, हमारे यहाँ सबको मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, सब लोग कहा करते थे, लेकिन आज अगर ट्रेनिंग कैसे होगी कि कोई ना कोई एक मसौदा तैयार होगा, कोई ना कोई एक रास्ता बनाया जाएगा, उस आधार पर होगी। ठीक है, विवेक पांडे जी जवाब। देखिए देखिए राजीव सर जो है, आदरणीय राजीव सर जी सेना के पूर्व अधिकारी हैं, मैं इनकी किसी भी बात को ना काउंटर करूंगा ना टिप्पणी करूंगा, क्योंकि वो जो भी कहेंगे अपने अनुभव के आधार पर कहेंगे, उनका एक सम्मान है और एक शिष्टाचार होता है कि उनकी किसी भी टिप्पणी को मैं काउंटर नहीं करूंगा। लेकिन ये बात मैंने पहले ही कह दी थी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विफलता इसका प्रमुख कारण है, जिसके कारण जी बिल्कुल। और एक बात अब मैं आपको बता दूं कि ये पूरा गुस्सा इस प्रकरण को आज हम देख रहे हैं, जो कि राजीव सर ने भी अग्री किया कम्युनिकेशन गैप, उस बात को भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि ये गुस्सा फूटा कहां से। वैश्विक महामारी कोरोना के समय सेना भर्ती लगातार डिले हो रही थी और इस बीच में भर्ती प्रक्रिया और निलंबन रैलियों के निलंबन को लेकर के युवा वर्ग लगातार अपना गुस्सा बीच बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म से जाहिर करता रहा। और इसमें जो भर्ती के शुरुआती चरण को पार कर गए थे, अगले चरण और अंतिम चरण के इंतजार और प्रक्रिया पूरे होने की तार से बड़े तादाद के एक युवा तबका जो था वो इंतजार कर रहा था, जो कि मंगलवार को इसकी भी आस टूटी जब अग्निपथ योजना की विस्तृत जानकारी देने के लिए रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके जवाब में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आदरणीय श्री वीआर चौधरी जी स्पष्ट करते हैं कि अब तक दी गई परीक्षा के नतीजों के आधार पर कोई भर्ती नहीं होगी और उनका साफ साफ कहना था जो भी भर्ती होंगी वे अग्निपथ योजना के जरिए ही होंगी। मतलब बहुत स्पष्ट था कि उस परीक्षा के लिए की गई बहुतेरे युवकों की वक्त मेहनत सब बर्बाद हुआ और सेना भर्ती के लिए होने वाली अग्निपथ योजना के तहत अब पुनः एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी और इसमें उन युवकों के सपनों पर पानी फिर गया जिनके लिए आखिरी मौका था या उम्र के लिहाज से वे भर्ती के पात्र नहीं रह गए। इस एक विषय पे कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो गुस्सा आक्रोश पटा है ये वाकई कम्युनिकेशन गैप था, सरकार को इसकी तैयारी करनी चाहिए थी, जिन बच्चों की भर्तियां लेट हुई, डिले हुई, जिनकी आपने प्रक्रिया निरस्त कर दी, जो दायरे में थे लेकिन अब बाहर हो गए, उन बच्चों का आक्रोश पटना लाजमी था। वो बच्चे सालों साल से सपने सजो करके 15 साल 14 साल की उम्र से मेहनत कर रहे थे और आप इस पर ठीकरा नहीं छोड़ सकते, मुझे आपत्ति है उस शब्द पे जो इन्होंने कहा अलगाववादी। माफ कीजिएगा, आप अपने आप एक ऐसी सरकार चला रहे हैं
जो अपने देश के बच्चों में नागरिकों में अलगाववादी ढूंढती है और अलगाववादियों के साथ सरकार बना लेती है जाके। जब आप अलगाववादियों के साथ हाथ मिला करके सरकार बना करके कश्मीर में सेना को शहीद करवाते हैं तब आप नहीं कहते कि अलगाववादी ये होते हैं, अलगाववादी की परिभाषा तब आप भूल जाते हैं, आतंकवादी तक को आप टिकट देते हैं। और आपको याद होना चाहिए जम्मू कश्मीर निकाय चुनाव में एक पूर्व आतंकवादी को आपने टिकट दी थी जो कि बाकायदा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य रहा जिसने 10 साल की जेल काटी थी, उसको आपने चुनाव में टिकट दिया। सर ये भारतीय सेना की बात हो रही है राजीव पांडे जी, भारतीय सेना पे राजीव जी रुकिए, मैं भारतीय सेना पे सर टिप्पणी नहीं कर रहा, आप दोनों लोग एक दूसरे करके इसका फ्लेवर चला जाएगा सर। नहीं नहीं फ्लेवर नहीं जाने दूंगा सर, आज से निवेदन है, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये पूरा आक्रोश क्योंकि विषय का जो आक्रोश आज हम देख रहे हैं मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये हिंसा का दौर सिर्फ इसीलिए है कि जिस तरीके से आपने पूरे बच्चों के सपनों को तोड़ के रख दिया, कुचल के रख दिया, इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 9,500 बच्चे सर लगातार धरने दे रहे हैं। विवेक पांडे जी 2 साल बढ़ा दिए ना, 2 साल कह दिया, 21 नहीं अब 23 कर दिया, 23 कर दिया सर। 2 साल बढ़ाने से मैं फिर आपको अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, 2 साल बढ़ाने के बाद जिन बच्चों के लिए अंतिम प्रयास का अवसर था क्या उनको वो उनकी उम्र एक फाउंडेशन उसमें सम्मिलित हो रही है नहीं हो रही है, ये कम्युनिकेशन ये क्लैरिटी इनको विभाग भर्ती बोर्ड से मिल जाती, लेकिन अगर थोड़ी मेहनत थोड़ी इसको और थोड़ा प्रोफेशनल वे में लेकर के देखना चाहते तो। पर ये अगर मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजें सही है दुरुस्त है, मैं तो राजीव सर की बात से सहमत हूँ, भाई युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहा है, ये आक्रोश क्यों है? और आक्रोश है तो आप उनको अलगाववादी कहेंगे मीडिया में बैठ करके, तो आपको क्या लगता है वो आपसे फैल छुएंगे, वो आपकी बातों से सहमत होंगे, आप उनको अपमानित करेंगे? उत्तर प्रदेश की यूपीएसआई भर्ती में क्या हुआ, 9,500 बच्चे, आपने क्या कहा था विधि पूर्वक अपना आक्रोश व्यक्त करें विधि सम्मत, आपने पुलिस से लाठियां भी भजवाई थी उन बच्चों के ऊपर जो कि केवल आए थे हाथों में बख्तियां लेकर के आपसे न्याय मांग रहे थे। बीजेपी पार्टी मत दिखाइए, खतरी करने का अंतर हम भी जानते हैं, लेकिन हम राजनीतिक दल है, हम राजनीतिक दल है, सेना ठीक है सर, मतलब आप कुल मिलाकर के बीजेपी पर आप इल्जाम लगा रहे हैं, कुल मिलाकर के हमेशा ये छात्रों को जो अभ्यर्थी होते हैं उनको दबाने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की 50% से अधिक भर्तियां अब तक इनके पहले कार्यकाल से लेके अब तक लीक हो चुके हैं, 9,500 ठीक है जिसके ज्यादा ठीक है धांधली पकड़ी गई है, लेकिन परीक्षा दिनेश शुक्ला जी देखिए ओम जी जी अगर समय मिले कभी विवेक पांडे जी के साथ में 370 पे डिबेट कराइएगा, 2 बार कह चुके हैं इस बात को कि हमारी अलगाववादियों के साथ हमने सरकार बनाई थी, नहीं तो जब कभी 370 जब आर्टिकल 370 पे कभी आप बैठेंगे किसी और दिन पक्का, मैं सिर्फ एक लाइन कह रहा हूँ, कभी 370 पे डिबेट कराइएगा तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा हमने सरकार क्यों बनाई थी और कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे खत्म की गई, दोबारा कैसे फॉर्म की गई और 370 कैसे हटाई गई, आई डिस्क्राइब इन डिटेल, ठीक है ना, कोई बात नहीं उस बात को हटाए विवेक जी सर बजट और जमीनों बात आता हूं राजीव जी आता हूं पर दिनेश शुक्ला जी अपनी बात पूरी की, बहुत बहुत क्लियर कट कांसेप्ट है, राजीव जी उस बात को बता रहे हैं, ये गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है विवेक जी, आप गवर्नमेंट की किसी योजना का विरोध करिए, ये डिसीजन सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के कंसेंसस से बैठ करके बना है और इसमें सरकार विवेक जी साथ में है, विवेक जी आता हूँ आपके पास, सरकार उस उन कंसेंसस पर कोई निर्णय लेकर के चुकी, योजना सरकार को ही लॉन्च करनी पड़ेगी, सीधे सीधे सेना कोई योजना लॉन्च नहीं कर सकती, इसलिए सरकार सेना के उस निर्णय पर सेना के उस मसविदे पर सेना की राय पर इस हद पे इस जगह पे आके पहुंची हुई है कि उन्होंने ये अग्निवीर की योजना निकाली है। सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा है, आपको विरोध करना ही है, हम अन्न बांटे तो विरोध, हम राशन बांटे तो विरोध, हम मकान बांटे तो विरोध, हम शौचालय बांटे तो विरोध, प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि हम दे रहे हैं हम ले कुछ नहीं रहे हैं, यदि हम कुछ ले रहे होते आपसे समाज से युवक से नौजवान से तो उसे निश्चित रूप से ये सब करने का अधिकार मान लिया जाता कि विवेक जी बीच में नहीं बोलता हूँ मैं, विवेक जी जितनी देर आप बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, विवेक जी अगर ऐसे डिबेट करनी हो तो कोई मतलब नहीं बचता, मैं पूरे संस्कार बरतता हूँ, तो नौजवान को उस कंडीशन में जब उससे कुछ लिया जा रहा होता तो यह कहा जा सकता था कि नौजवान के साथ में अपराध कर रही है सरकार, अभी तो सरकार सिर्फ देने की बात कर रही हो, क्या दे रही है,
आपको स्किल दे रही है, आपको गुणवत्ता परक इंसान बनाने जा रही है, आपको उसके लिए उसके एवज में वो वेतन भी देने जा रही, ग्रेचुटी फंड जो भी प्लान होगा वो सब दे रही है, तो आपसे कुछ ले नहीं रही है। ठीक है, 11,71,000 दे रही है। ठीक है जी, राजीव जी लास्ट कमेंट आपका जल्दी से सर, फिर मुझे विवेक जी के पास जाना। क्वेश्चन क्या सर? सर मेरा क्वेश्चन ये है, जिस तरीके से योजना लॉन्च हुई है उसके बाद जो युवा सड़कों पे उतर आए हैं, इनको नहीं उतरना चाहिए था, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अगर कोई भी व्यक्ति इसमें तैयारी करने वाला है, जैसे मैक्सिमम एज उसकी 21 साल है 17 साल, एक्चुअली 21 साल वाले बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि पोस्ट होती कम, अप्लाई करने वाले ज्यादा होते हैं। ये सेना को और एज ए रिक्रूट एजेंसी को अधिकार होता है कि वो छटनी पहले कैसे कर दे, तो जर्नली लड़के 17, 18, 18.5 तक 19 तक ही होते हैं, उन्हें फिक्र क्यों नहीं करनी चाहिए? और नहीं उन्हें फिक्र, उन्हें तो किस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए सर, तभी तो रोड टूट रहे हैं। नहीं उस तरह के लड़के नहीं है, उस तरह के लड़के नहीं है, आप उनका फेस देखिए, वो बहकावे में है और अच्छा, जो जो 4 साल का अनरेस्ट था थोड़ा सा उसको एक हवा मिल गई, कम्युनिकेशन गैप हुआ है और ये मौका किसी और को मिल गया है। ठीक सर, बस इतनी सी बात है। सरकार की तरफ से ये कम्युनिकेशन सर काउंटर करना चाहे दिनेश शुक्ला सर का आंसर के साथ। दिनेश शुक्ला जी के ऊपर अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा मैं सुझाव देता हूँ, अगर ये सरकार तक पहुंचा सके, कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को इस भर्ती में वरीयता दीजिए। इससे दो बातें होंगी, जो सेंट्रल कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के मुफ्त प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं उसमें वही बच्चे एनरोल होंगे जो गंभीरता से सेना में आगे जाना चाहेंगे, और आपको पहले से प्रशिक्षण प्राप्त दक्ष युवाओं की प्राप्ति होगी, ITI को भी इसमें समाहित कीजिए। ठीक है, राय भी नहीं देना चाहते, समय व्यर्थ करने के बराबर भी है, पूरी राय दे भी रहे हैं। ठीक सर, यही है समाजवादी पार्टी के संस्कारी है। अगर वो एलिजिबिलिटी सेना की एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, चाहे कौशल वाले हो, राष्ट्रीय कौशल वाले हो या टेक्निकल, तो आ पाएंगे सर, वही आ पाएंगे। ठीक सर, ठीक, ये थोड़ा भी कौशल के नहीं करते सीना छत्तीस। आपका शुक्रिया राजीव जी, आपका शुक्रिया दिनेश शुक्ला जी, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के सीधा सवाल में अग्निपथ पर अग्निवीरों के लिए जो जो युवा नजर आ रहे हैं सड़क पे, ये कहीं ना कहीं तकाबिल है, अभी इनको पूरी जानकारी नहीं है। साफ तौर पे राजीव सिंह जी कह रहे थे, पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कम्युनिकेशन गैप है। बार बार GMD न्यूज भी आपसे ये कह रहा है, एक बार इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए, कहीं आगजनी मत कीजिए, अगर प्रदर्शन आपको करना है तो शांतिपूर्वक कीजिए। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही, आप देखते रहिए GMD न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी ID है @JMDNews।